Can you please tell me which vlog is this? सुबह सुबह हमारे गोद में हमारा सबसे पहला बच्चा हमारा गोलू मोलू आ गया है, रागिनी जी. क्या हुआ सुबह सुबह? जब कभी मैं हमारे एक डेढ़ साल पहले के व्लॉग देखता हूँ, हम दोनों की मस्ती या हमारे बच्चू महाराज या हमारी भतीजी जो यहाँ पर सोई है, इन लोगों के छोटे छोटे थे वो लोग, तो इतना अच्छा लगता है ना, इतना अच्छा लगता है. तो यही जो छोटी छोटी यादें जो रह जाएगी यूट्यूब पे. क्या रागिनी, अगर कल को मैं रहूँगा नहीं रहूँगा, मैं नहीं रहूँगा तो मेरे वीडियोस देखेगी ना, तो देख के याद करेगी? हाँ रागिनी, एक बात पूछ. क्या? दो बात पूछ. पक्का? हाँ पक्का पूछना. हम नहीं रहेंगे तो बूढ़े देखे देखे कुछ पूछिएगा. ऐसा नहीं होएगा. ऐसे होते हैं. इतनी खुशी में तेरे को हजम नहीं होने दूंगा. पहले मैं जाऊंगा. पहले हम जाएंगे. पहले मैं जाऊंगा रागिनी. इतनी खुशी मतलब पर मत की जाम. पहले बोल देते पर हम. इतनी खुशी मैं तेरे को नहीं दूंगा. मैं तेरे को बहुत रुलाना चाहता हूँ. हम भी आपको बहुत रुलाना. हम आपको बहुत रुलाएंगे. बोले 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 बोले. I don't know why, but I'm not feeling well. फिलहाल तो हम लोग जा रहे हैं ठाणे, क्योंकि हमारे एक दोस्त है अभी पाटिल जो ठाणे में रहते हैं, उन्होंने भी YouTube चैनल शुरू करने का डिसीजन लिया और उन्हें भी व्लॉग्स बनाने हैं. उन्होंने सारी चीज़ें खरीदी है, मोटो व्लॉग का सेटअप वगैरह सब रेडी है, सिर्फ उन्हें तैयार करने नहीं आता, यानी कैसे जो कैमरा है उसे हेलमेट पर सेटअप किया जाए ठीक इसी तरह जिस तरह हमने सेटअप किया. तो हम जा रहे हैं उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि जब हमने चैनल शुरू किया था तो हमारी हेल्प करने वाले लोग नहीं थे. हमने बहुत लोगों से हेल्प मांगी लेकिन नहीं की लोगों ने, और हमने खुद यूट्यूब कर करके सारी चीज़ें सेटअप की, यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के. लेकिन जब हम किसी की हेल्प कर सकते हैं तो क्यों ना करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है. लेट्स गो बड़ी. सॉरी कैनन भाई, अभी आपको जाना पड़ेगा अंदर, और हमारा ये मोटो वाला कैमरा जो भी है सारी चीज़ें करेगा उसको. प्लीज़ प्लीज़ अपने इस दोस्त को माफ़ कर दीजिएगा, और फिलहाल के लिए आप जाइए बैग में. हमारे जो दोस्त है अभी, उन्हें हमने कहा है कि हम 11 बजे तक पहुंचेंगे ठाणा, और अभी एग्जैक्टली कितना टाइम हो रहा है मुझे पता नहीं, और हमारा संडे तो काफी मजेदार होने वाला है. ये रहा हमारा वर्क प्लेस. माइंड स्पेस. इतनी खतरनाक नींद आ रही है मुझे, इतनी खतरनाक नींद. अभी तो धीरे धीरे पहुंच रहे ठाणे में, ऑन द वे है. लोग देखते होंगे मुझे हाथ हिलाते हुए, हेलमेट इतना बड़ा, हेलमेट के आगे कोई कैमरा लगा है या क्या लगा, उनको नहीं पता होगा. जिन्हें बोलते हो कि क्या कर रहा है ये आदमी, क्या कर रहा है बॉस, ये तो कोई बहुत बड़ा हूतिया लग रहा है. अरे बाप रे, अरे 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 अरे, क्या ठंडा लग रहा है इसके अंदर. हाँ हाँ हाँ, क्या वाइब्रेट हो रहा है. सारी गाड़ियाँ एक तरफ, सुपर बाइक, निंजा, हायाबुसा, सब सब, और बुलेट एक तरफ है भाई. बुलेट का रुबा भी अलग है. यहाँ गए भाई हमारे दोस्त अभि पाटिल अपनी बुलेट के ऊपर है. अरे बाप रे, ये हेलमेट का बेल्ट लगाने के चक्कर में गेम हो जाता मेरा. डायरेक्ट ऊपर जाने का क्या, पहले ये देखने का सेटअप वगैरह? पहले सेटअप देखते हैं. हाँ हाँ, बाद में फिर जो भी करना करेंगे, पहले सेटअप देखते हैं. पहले काम, बाद में घूमना फिरना या जो भी है भाई, पहले भाई का सेटअप रेडी कर देंगे हम. ठाणे की जो गलियां है वो मुझे भूल भुलैया लगती है. भूल भुलैया, ये गलियां, ठाणे की गलियां लगती है भूल भुलैया भाई. भूल भुलैया क्या हालत हो गई थी वायरस के चक्कर में, पूरे ठाणे, मुंबई, दुनिया, देश सब की भाई, एक परिंदा बाहर नहीं. आखिर कब कब हम घूमेंगे फिरेंगे और सिर्फ व्लॉग्स बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे? कब देवियो और सज्जनो इस बात का जवाब दीजिए प्लीज. हम भी चाहते हैं कि हम घूमें फिरें, मजबूत ट्रैवल करें, आप लोगों को एक से एक व्लॉग बना के दे.
क्या करें, नहीं कर सकते फिलहाल ट्रैवल भाई, काम भी करना है, पेमेंट भी चाहिए, सब चाहिए। तो ये भाई हमारे दोस्त डी अभि पाटिल जो एनिमेशन फील्ड में धमाल मचा रहे हैं। एनिमेशन फील्ड इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न के ये यूट्यूब पे आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें फिल्म मेकिंग बहुत पसंद है, बराबर ना? यहाँ एडिट करना, वीडियो बनाना, और अभी ये भी मचाएंगे यूट्यूब के ऊपर। ये मेरा सेटअप है छोटा सा, संग्राम इतना बड़ा नहीं है। अरे बस उल्टा मस्त है, एकदम भारी है। हम अभी ट्राई कर रहे हैं, संग्राम इतने दूर से आया है मेरे को हेल्प करने के लिए। जब संग्राम ने ब्लॉग स्टार्ट किया था वो सेल्फ लर्निंग ब्लॉगर है, पर मैं उससे मदद ले रहा हूँ और मेरे को मदद करने के लिए इतने दूर से आया हुआ है। ठीक है, चले गया यार। एज आई सेड अर्लियर, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जब तक आप दूसरों के साथ बांटोगे नहीं तब तक उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। अगर आप अपने पास ही रखोगे तो जंग लग जाएगा। मस्त रहे। हाँ, ऑडियो क्वालिटी भी बहुत सही है विदाउट माइक। इसलिए मैंने भी G7X Mark II ही खरीदा, क्योंकि G7X Mark II में माइक वगैरह की जरूरत नहीं, इसका ऑडियो क्वालिटी बेस्ट है और अच्छा है। बिना माइक के थोड़ा सेटअप अच्छा लगता है, नहीं तो माइक के साथ पूरा भक्कम लोग देखते हैं, जो नहीं देखने वाले लोग हैं वो लोग भी देखते हैं झुक झुक के। और ये एक्शन कैमरा भी लिया है, बाकी तैयारी तो मजबूत किया है। सब लिया है। अभी मेरा दोस्त अभी गया एमसील लेने के लिए, क्योंकि हमारा जो सेटअप है भाई उसमें हमको मिला था ये केस कवर, और ये केस कवर से हम लोगों ने ये माउंट लगाया जो भी है उसे स्क्रू लगा करके अटैच कर दिया यहाँ पर, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल। लेकिन जो हमारे दोस्त का हेलमेट है और जो एक्शन कैम है उसमें उसे कोई केस कवर नहीं मिला है। अब वो बोल रहा है कि ये जो होल्डर है, होल्डर ही बोलते होगे इसे यहाँ पर अटैच करके एमसील से यहाँ पर अटैच करेंगे। अब पता नहीं है किसी और से अटैच होता नहीं होता है, मुझे नहीं पता, कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, लेकिन इसे यहाँ पर से अटैच करके एमसील से ऐसे लगा देंगे। मैं समझा भी नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए जैसे जैसे बनाया जाएगा वैसे वैसे धीरे धीरे आपको अपडेट दे दी जाएगी। अब हो गया एमसील लाने के लिए, लेट्स सी।